Assalamualaikum शबीना. Assalamualaikum. Thank you for inviting me today. Ma'am, it's a pleasure to have you on the show. और हमें बहुत खुशी है आपने हमारे लिए वक्त निकाला. On Mother's Day. On Mother's Day. Absolutely. मुझे एक बात बताएं शबीना, आप एक खुद भी एक माँ हैं और आप ये एक शानदार आपने एक बेड़ा उठाया इतने सालों पहले. मुझे एक बात बताएं, ये सफर शुरू आपने कैसे किया? ये सफर तो मैं मुख्तसर बताऊंगी आपको. एक दिन हमारी मुलाजमा जो ख़ुद एक माँ है, उसने ये सोचा कि मेरे पांच बच्चों को तालीम कौन देगा. उसकी बड़ी बच्ची गई थी एक सोइंग स्कूल में और उनको वहाँ मना कर दिया कि यू कान गेट एडमिशन. 14 साल की बच्ची थी. तो वो मेरे पास आए कि मेरे पांच बच्चे हैं, आपका गराज खाली है, आप हाफ डे काम करती हैं, आप इन लोगों को तालीम दीजिए. तो उस दिन उन्होंने कहा चलो गराज सफाई करो. तो नेक्स्ट डे मैंने देखा 14 बच्चे. मैं जहाँ रहती हूँ वो हाई ब्रिटिश हाई कमीशन की गली है, तो वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है. यहाँ तक क्लिफ्टन गिजरी कोई उस ज़माने में स्कूल नहीं था इन बच्चों के. कितने साल पहले? 22 ईयर्स नाउ. 22 साल पहले. तो यहाँ कोई स्कूल, अभी भी कोई स्कूल इन लोगों के लिए नहीं है. तो ये बच्चे देखें आप, वो जो आँखें मैंने उस वक्त देखी, द ग्लो इन द आइज एंड वॉन्टिंग सीकिंग नॉलेज. उनको ये नहीं पता था तालीम क्या चीज़ है या क्या वो जगह है या क्या है. तो वो हमने उस वक्त, मैं खुद एक टीचर नहीं थी, बट मैं जानती हूँ एक माँ एक टीचर ही होती है. ऑफ कोर्स आई थिंक. और एक टीचर भी एक माँ होती है मैम. बिल्कुल. जो मैं माँ, जिस चीज़ को मैं बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूँ उनसे, मुझे लगता है कि एक जो टीचर होती है वो भी एक माँ का ही किरदार अदा कर रही होती है. टीचर अच्छे कौम को निकालती है. बिल्कुल. As Napoleon said, you give me good mothers, I give you a good nation. Yes. और ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है शबीना, आपने ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो आपकी शख्सियत का एक बहुत ही एक बावकार हिस्सा है ये वाला, कि आपको लगता है कि you've taken it after your mother? Yes, totally. मेरी माँ, she was a moral support. As you know, I lost my husband when I was very young, 19 years. बट उनके जो आई टेल माई चिल्ड्रेन कि अगर तुम मेरे एक एक ड्रॉप भी खून का निकाल दो ना, यू वोंट बी लाइक मी. एंड माई मदर वॉज जस्ट आईज एंड द कैरेक्टर, द मॉरल सपोर्ट, द इंटेग्रिटी, द कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल माई मदर. ऑल दीज ईयर्स द मॉरल सपोर्ट, इट्स ऑल माई मदर. शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. लेकिन मैम, जब आपने ये गैराज स्कूल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसके बाद कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कोई भी वो एक नया कदम उठाती है सोसाइटी में, आप इस बात से मुत्तफिक हैं या आपको लगता है कि गलत? देखिए, मेरे लिए चैलेंजेस इज अनदर डे, इज जस्ट अनदर डे. आप उसको चैलेंज कहें या मैं उसको ना तकलीफ कहती हूँ, वो आएगा. और यू नो इट्स लाइक अ रोलिंग बॉल और अ स्टोन, आप जो कि इट कम्स अप एंड इट गोज बियॉन्ड. यू फेस इट, इट विल बी फाइन विथ यू. देन न्यू चैलेंजेस कम, सो यू न्यू चैलेंजेस यू फेस. यू डोंट कॉल इट चैलेंज, इट्स अ प्रोग्राम दैट कम्स अप, इट्स अ प्रोजेक्ट दैट कम्स अप. यू फेस इट एंड फिनिश, दैट्स इट. सो आई हैव हैड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, इतने मुश्किल, इतने काम. बट जैसे जैसे कहते हैं ना, लाइफ इज अ जिग्सॉ पजल. बिल्कुल. आप एक पजल सॉल्व कीजिए, दूसरा खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है. तो ये कोई, तो मैम इतने बच्चे जो गैराज स्कूल से पढ़ के निकले हैं, आप उसके बाद वो बाहर पढ़ मुकम्मल करते हैं तालीम, डू यू कीप अ चेक ऑन देम कि कहां तक पहुंचे, कहां तक गए, ये वो वापस आते हैं मिलने? मैट्रिक तक है, बट माई स्कूल गैराज स्कूल गोज बियॉन्ड. अच्छा. तो हम उनको पूरा, हमारा एक बच्चा भी जैबिस में है, ज़ाबिस से लेके MBA 3.9 GPA, he is now South City Hospital. क्या बात है भाई, excellent, बेहतरीन. He is an embryologist at South City. तीन हमारे आर्मी में चले गए, लड़कियां हमारी नर्सेस हो गई हैं. So I'm a very very proud mother. और मेरे बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं? जी, बिल्कुल मुफ्त पढ़ते जी. हैं. We take like 200 and 150. वो हम उनके मेडिसिन खरीदते हैं, बिकॉज हम लोग एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हम लोग हेल्थ केयर तीनों चीज करते हैं. और इसकी दो ब्रांचेस हैं? तीन ब्रांचेज हैं. और कहाँ कहाँ पे हैं मैम? एक तो हमारे घर में है गराज, और नीलम कॉलोनी जो अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के जी, पास जी. है ना, वहाँ पर हमारी एक स्कूल, इट्स रेंटेड अपार्टमेंट. हमने कभी छोटी सी अपनी बिल्डिंग खुद बनाई है. और हमारे छोटे बच्चे एक नेक्स्ट जो बिल्डिंग में है. तो वी हैव ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स. माशाल्लाह 600 स्टूडेंट्स. मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग किसी की भी कफालत कर रहे हैं, उसको आप खाना खिला दें, कपड़े दिला दें, लेकिन मैं इस बात को हर शो में बार बार ही कहता हूँ, अगर आप तालीम का तोहफा किसी को दे रहे हैं, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता.